हर हर महादेव। इस बार हरित्यालिका तीज व्रत जो कर रही हैं महिलाएं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है व्रतियों के लिए। सामान्यतः किसी भी त्यौहार पर्व में देखा जाता है, प्रायः कभी कभी क्या है कि तिथि वार नक्षत्र काल कई चीज़ों को ध्यान पे रखकर किसी समय और मुहूर्त का निर्धारित किया जाता है, किंतु इस बार हरितालिका तीज में सबसे अच्छी बात यह है कि तृतीया तिथि होनी चाहिए भाद्र मास के शुक्ल पक्ष में, वह भी है। हस्त नक्षत्र होने चाहिए, वह भी मिल रहा है। बाकी सारी बातें जितने भी इसमें संयोग होने चाहिए, सारे शुभ संयोग के साथ अच्छे अच्छे योग के साथ में इस पर मिल रहे हैं। अतः इस बार का विशेष रूप से आप विशेष श्रद्धापूर्वक करें, हमेशा ही करते हैं, इसमें कई गुना और ज़्यादा इस बार का पूजा का महत्व तो बढ़ जाता है। आपकी श्रद्धापूर्वक की गई पूजा भगवान विशेष रूप से ग्रहण करेंगे, स्वीकार कर रहे हैं और आपको सभी प्रकार की शुभता प्रदान होने वाली है, अखंड सौभाग्यवती होंगी। और साथ ही साथ मैं समय बता दूं, देखिए दो बार का समय है। प्रातः पूजा का समय जो है वो प्रातः 6:05 से 8:33 के मध्य होना है, जबकि संध्या काल में प्रदोष काल का समय जो है वो संध्या 6:33 से 8:51 के मध्य होना। ये दो विशेष रूप से शुभ संयोग है, इस बीच में किया जाना अति उत्तम है। बहुत बहुत शुभकामना माता पार्वती और महादेव जी की कृपा निरंतर आप पर बनी रहे। खूब मस्त होकर पूजा करें। हर हर महादेव। ओम शिव अंबिकाय नमः।